आज हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक एलिमेंट्स इन बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक एलिमेंट्स इन बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो इंट्रोडक्शन में हमको पहले क्या जानना है, बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी, ये हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं। और टर्मिनोलॉजीज जानने हैं हमको, तो टर्मिनोलॉजीज में पहले जानना है हमको सर्किट किसे बोलते हैं। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड द वेरियस एलिमेंट्स इन ए क्लोज्ड पाथ या इन ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच करंट कैन बी फ्लोड इज कॉल्ड अ सर्किट। मतलब एक क्लोज पाथ ले लीजिए, विच इज कंडक्टिंग, ये क्या है, कंडक्टिंग पाथ है, कंडक्टिंग क्लोज्ड पाथ, दिस इज ए कंडक्टिंग क्लोज्ड पाथ, है ना। सो सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डेफिनेशन लिखिए, अ सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट passes through it। एक closed conducting path, अगर उसमें से current flow हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, circuit बोलेंगे। closed conducting path जिसमें से current flow हो रहा है वो circuit कहलाता है। second है आपका definition parameters, क्या है parameters। अब parameters किसको बोलते हैं, द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर कॉल्ड इट्स पैरामीटर्स। जैसे ये क्लोज्ड क्या है, पाथ है, जिसको हमने क्या बोला अभी, सर्किट बोला। तो इसमें जो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज सोर्स, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, पैरामीटर्स। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर कॉल्ड इट्स पैरामीटर। ठीक है, जब एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ जिसको हम सर्किट बोल रहे हैं
उसमें जो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तो हम इनको क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है? थर्ड, लीनियर सर्किट। क्या है लीनियर सर्किट? लीनियर सर्किट उसको बोलेंगे जो सर्किट के पैरामीटर्स, जिस सर्किट के पैरामीटर्स या एलिमेंट्स वोल्टेज और करंट के वेरिएशन के साथ में मतलब चेंज नहीं होंगे, या फिर आप ये बोल सकते हो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। तो लीनियर सर्किट का मतलब हुआ दो सर्किट वोज पैरामीटर्स और एलिमेंट्स फॉलो लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सर्किट है, इस सर्किट के जो एलिमेंट्स है या पैरामीटर्स है जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, अगर ये लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर सर्किट। और अगर ये नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर सर्किट। तो लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब ये हुआ, जैसे ये वी है, ये आई है, इसके बीच का जो ग्राफ है ये क्या कहलाएगा? लीनियर। अगर मान लो इस टाइप का कुछ वेरिएशन है तो ये क्या हुआ? नॉन लीनियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर सर्किट। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है हमारा नॉन लीनियर सर्किट्स। दो सर्किट्स वोज पैरामीटर्स और एलिमेंट्स फॉलो नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज नॉन लीनियर सर्किट्स। मतलब एक ऐसा सर्किट, सर्किट आपको समझ आई क्या है? कि कोई भी एक क्लोज्ड पाथ जिसमें पैरामीटर्स हों यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज सोर्स या बैटरी, ये क्या हुए? एलिमेंट्स हो गए या पैरामीटर्स हो गए। तो एक सर्किट के जो पैरामीटर्स हैं अगर उनके जो एलिमेंट्स हैं वो वी आई करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, वी आई करेक्टरिस्टिक्स मतलब ये वी आई करेक्टरिस्टिक्स को लीनियरली फॉलो नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? ये सर्किट क्या कहलाएगा? नॉन लीनियर, नॉन लीनियर सर्किट। एग्जांपल जिसमें डायोड एज एलिमेंट हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, ये सब क्या है? नॉन लीनियर सर्किट है। ठीक है, नेक्स्ट आप आते हैं अपन लीनियर एलिमेंट्स पे। दोज एलिमेंट्स विच फॉलो लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज लीनियर एलिमेंट्स। मतलब सर्किट के वो एलिमेंट्स जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं
वो क्या कहलाता है आपका, लीनियर एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल ये हुआ, ये मैंने ले लिया वी ग्राफ, किसका, रेजिस्टेंस का, तो इनके बीच का ग्राफ क्या आएगा, लीनियर आएगा, तो ये क्या हुआ, लीनियर एलिमेंट हुआ। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया आपका रेजिस्टेंस। सिक्स्थ है आपका नॉन लीनियर एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट फॉलो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अब इसका एग्जांपल क्या हुआ, डायोड, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अगर आप कोई भी डायोड, जीना डायोड है ना, अगर आप इनका ग्राफ निकालोगे वी आई ग्राफ का, तो ये स्टार्टिंग में कुछ कम रहेगा, फिर सडनली ब्रेक डाउन आएगा तो ये इंक्रीज होगा। अगर आप रिवर्स साइड भी निकालोगे तो ये होगा ऐसा कुछ। तो दैट मीन्स क्या है, ये नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, दस इट इज नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सर्किट हो गया, पैरामीटर्स हो गया, लीनियर एलिमेंट्स हो गया, नॉन लीनियर एलिमेंट्स हो गया, लीनियर सर्किट हो गया, नॉन लीनियर सर्किट हो गया। नेक्स्ट है यूनिलेटरल और बाइलेटरल। सेवेंथ हो गया आपका बाइलेटरल एलिमेंट्स। बाइलेटरल एलिमेंट्स मतलब हुआ, जिसकी पोलैरिटी को हम सर्किट में रिवर्स कर दें तो भी सर्किट में कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कैपेसिटर, कोई सर्किट में कनेक्टेड है इस तरीके से, या एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरीके से, या एक इंडक्टर कनेक्टेड है इस तरीके से, तो अगर हम इनके पोलैरिटी को अगर हम चेंज भी कर दें, रेजिस्टेंस का भी पोलैरिटी को चेंज कर दें, एल के पी पोलैरिटी को चेंज कर दें, तो भी हमारा सर्किट का जो पैरामीटर्स हैं या जो कंडीशंस है वो चेंज नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, बाइलेटरल एलिमेंट्स। और यूनिलेटरल एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट के पोलैरिटी को अगर हम चेंज करने पे सर्किट के कंडीशंस चेंज हो जाते हैं या पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट्स। एग्जांपल के लिए डायोड, रेक्टिफायर, ठीक है, कोई भी सेमीकंडक्टर्स, ये सब क्या कहलाएंगे, यूनिलेटरल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या है, इट इज ए एलिमेंट वोज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन, वोज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन। एग्जाम्पल हो गया आर एल सी,
नेक्स्ट है यूनिलेटरल एलिमेंट्स। इट इज ए एलिमेंट व्होस प्रॉपर्टीज या और कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ देयर ऑपरेशन। एग्जाम्पल डायोड्स, रेक्टिफायर्स, सेमीकंडक्टर्स एक्सेट्रा। क्योंकि ये एग्जाम्पल के लिए ये एक सर्किट है, सर्किट में आपका एक एलिमेंट आपका वोल्टेज सोर्स है या आपका डायोड है, तो इस डायोड में करंट आपका फ्लो होता है ऐसे, ये प्लस से माइनस। लेकिन अगर इस डायोड को मैं रिवर्स कर दूं ऐसा फ्लो नहीं होगा। करंट इज नॉट फ्लोइंग, तो ये क्या कहलाएगा आपका यूनिलेटरल एलिमेंट। डायरेक्शन चेंजेस, दस द सर्किट कंडीशन चेंजेस। अगर हम इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो हमारा सर्किट का कंडीशन चेंज जा रहा है। पहले करंट फ्लो हो रहा था लेकिन सेकंड कंडीशन में हमारा फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ यूनिलेटरल एलिमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक नेटवर्क। एंड इलेक्ट्रिक नेटवर्क किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रिक नेटवर्क में बोलेंगे वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स या कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इस पूरे टोटल कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक नेटवर्क। सो इलेक्ट्रिक नेटवर्क इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट किसे बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट जो एक्टिव हो यानी कि जिसके पास पावर हो, यानी कि जो सोर्स जैसा काम करे, जो किसी को पावर दूसरे को दे, वो हुआ एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, पैसिव एलिमेंट जो दूसरों से पावर लेकर के कंज्यूम करे, तो वो एक्टिव एलिमेंट है, सॉरी पैसिव एलिमेंट है। तो एक्टिव एलिमेंट जो पावर दे, सो इट इज ए एलिमेंट विच गिव्स पावर टू अदर एलिमेंट। एग्जाम्पल करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट है आपका पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स से जो पावर को रिसीव करें, सो इट इज ए एलिमेंट
विच रिसीव्स पावर फ्रॉम अदर एलिमेंट. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस. ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट जो पावर दे, यानी कि जो सोर्स जैसा काम करे, तो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स. पैसिव एलिमेंट्स जो क्या बोलते हैं, पावर रिसीव करें, यानी कि रेजिस्टेंस, तो वो हमारा हुआ पैसिव एलिमेंट. ठीक है, नेक्स्ट है 12th. ब्रांच. तो मैंने आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बताया था. इलेक्ट्रिक सर्किट मान लेते हैं कि ये है आपका एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक इंडक्टेंस, ये दोनों हो गए हमारे एलिमेंट. यहाँ भी मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ मैंने कैपेसिटेंस ले लिया, ठीक है, और यहाँ मैंने एक डीसी वोल्टेज ले लिया वी. तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया L, ये हो गया C. तो ब्रांच किस में बोलेंगे? ब्रांच नेटवर्क का वो पार्ट है जहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, एक मतलब कई कई सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं. जैसे कि ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं नोड या जंक्शन. क्या बोलते हैं? नोड या जंक्शन, इसको बाद में बताऊंगा. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये वेरियस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं. दैट मीन्स एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा कनेक्टेड हों, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच. सो ब्रांच इज ए ब्रांच इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क. ब्रांच इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क विच हैज वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स एलिमेंट्स कनेक्टेड टू इट. तो ये नेटवर्क है पूरा, तो इसमें से कोई भी एक हिस्सा जहाँ पर वेरियस एलिमेंट्स कनेक्टेड हों, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच. एंड इट लाइज बिटवीन टू जंक्शंस या नोड्स. अभी बता देता हूँ नोड्स और जंक्शन क्या होता है. तो नोड इज ए जंक्शन वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ए और ये जो पॉइंट है बी, ये हमारा क्या है? नोड है. क्या है? नोड. सो नोड इज ए जंक्शन वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड. तो अगर आप ए से यहाँ से बी जाएंगे, तो यहाँ दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं. एक ये पाथ हुआ और एक ये पाथ हुआ. ठीक है, तो ये नोड हुआ, ये आपका क्या हुआ? जंक्शंस हुए. क्या हुए? जंक्शन हुए. तो नोड एक वो पॉइंट है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जंक्शंस क्या हों? कनेक्टेड हों. इट इज ए जंक्शन वेयर टू और मोर देन टू जंक्शंस आर कनेक्टेड. जंक्शंस कनेक्ट होने चाहिए. ठीक है, एलिमेंट्स दो हो तीन हो से मतलब नहीं है. तो यहाँ पर एक जंक्शन ये हुआ, एक जंक्शन ये हुआ, तो ये जंक्शंस है. और जंक्शन मतलब एटलीस्ट दो एलिमेंट कनेक्टेड हों. ठीक है, अब आते हैं
14 लूप में और मेस में. सो मेस इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड पाथ, ठीक है, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. अगर आप मेस को देखेंगे तो मेस क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड पाथ है. तो यहाँ का एग्जांपल में हो जाएगा ये ए बी सी हो गया, तो इसको ई लिख देते हैं, एफ लिख देते हैं, इसको जी लिख देते हैं, इसको एच लिख देते हैं. सो जो पॉइंट एच है वो क्या है, एक जंक्शन है जिसमें दो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं आर वन और वी. जी भी एक आपका जंक्शन है वी और बी के बीच में या एल के बीच में. वैसे ही एफ आपका एक जंक्शन है एल और सी कनेक्टेड है. ई भी एक जंक्शन है ए और सी के बीच में कनेक्टेड है. लेकिन ए वो पॉइंट है जो तीन जंक्शंस को आपस में मेल कर रहा है. इसलिए नोड इज ए जंक्शन वेयर टू और मोर देन टू जंक्शंस आर कनेक्टेड, दो जंक्शंस से ज़्यादा कनेक्टेड हों, ठीक है. तो ये दो और ये तीसरा, ठीक है. तो हमारा मेस का एग्जांपल हो गया ए बी जी एच. क्या हुआ, ए बी जी एच एंड ए ई एफ बी ए. तो ये क्लोज्ड पाथ है, ये क्लोज्ड पाथ है और ये स्मॉलेस्ट है दोनों. तो ये क्या कहलाएगा, मेस. लूप कौन सा कहलाएगा, लूप इज ए इट इज ए क्लोज्ड पाथ वेयर टू और मोर देन टू मेसेस आर देयर. जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मेस हो, जैसे ये और ये. तो अगर आप बाहर वाला लोगे तो वो क्या कहलाएगा, लूप. इसके अंदर में क्या है, बहुत सारे मेसेस पॉसिबल हैं. तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एच ए ई एफ बी जी एच, यानी कि ये बाहर वाला. तो ये जो बाहर वाला है ये हमारा कहलाएगा लूप, और ये जो छोटे छोटे क्लोज पाथ हैं ये हमारा कहलाएगा मेस. लूप के अंदर मेस हो सकता है लेकिन मेस के अंदर लूप नहीं होगा. बड़े लकड़ी को आप काट के छोटा कर सकते हो बट आप छोटे को बड़ा नहीं कर सकते, इसलिए बड़े के अंदर छोटा हो सकता है. तो लूप के अंदर में मेस हो सकता है, ये मेस है. ये मेस है, ये मेस है, बट मेस के अंदर में लूप नहीं होगा, ठीक है. तो ये हमारा आज का बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है. अब नेक्स्ट हम आगे के क्लास में देखेंगे कि किरचॉप्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉप्स करंट लॉ क्या होता है, सीरीज सर्किट किसे बोलते हैं, पैरेलल सर्किट किसे बोलते हैं, ठीक है, करंट डिवीज़न रूल, वोल्टेज डिवीज़न रूल, ये सब हम आगे के क्लासेस में देखेंगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी हेल्प हो सके, ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.